अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू केमिस्ट्री बुक क्लास 9 साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको जैसे कि पता है कि 17 मई से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके ही अकॉर्डिंग फ़ौरन जल्दी जल्दी से मैं चैप्टर्स को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाए। क्लास 9 और 10 के गैस पेपर मेरे चैनल में अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पेपर अपलोड कर दिया, और साथ साथ चैप्टर नंबर 5 का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन तमाम क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, फिर एक लास्ट में एक मैं गैस पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू केमिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्लास 9 का है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है, इसके क्वेश्चंस डाउनलोड करने, तो उसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है बेटा, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको PDF लिखा होगा और लिंक लिखा हुआ होगा, तो इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बेटा एक स्क्रीन आपके पास नहीं खुलेगी, ऊपर एक एरो टाइप का बना हुआ होगा डाउनलोड का आइकन, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा बेटा, ये चीज डाउनलोड हो जाएंगे कि तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर मिल सके और जैसी टाइम टेबल या डेट शीट आती है तो वो भी आपको फौरन मिल सके, ठीक है। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के न्यू न्यू बुक के अकॉर्डिंग, तो पहला सवाल है डिफाइन एलोट्रॉपी एंड विथ एग्जाम्पल। आपने एलोट्रॉपी के बारे में बताना है, उसके एग्जाम्पल्स देनी है। अगर शॉर्ट में आता है तो आपने तकरीबन 2 तो एग्जाम्पल्स देनी ही देनी है। व्हाट इज इफ्यूजन एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। आपने फ्यूजन के बारे में बताना है और साथ साथ आपने बताना है उसकी एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन द फ्लोइंग ड्रम, आपके पास कुछ ड्रम्स दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी आपने क्या करना है बेटा, डेफिनेशंस बतानी है और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो, देना ज़्यादा बेटर है। फिर अगला आपके पास सवाल है वॉट इज़ द डेंसिटी एंड हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इफेक्टेड बाई द टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने डेंसिटी के बारे बताना कि डेंसिटी क्या होता है और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि कैसे डेंसिटी एक लिक्विड के ऊपर इफेक्ट करता है जब उसका हम टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डाउनवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने बताना है। फिर इसका लिखा हुआ एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ ऑफ एग्जाम्पल। ये जो एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ ऑफ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तमाम क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, लेकिन उन तमाम क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई द एटम्स ऑफ बोस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेट आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कूल। आपने जस्टिफाई करना है इसको, एक तरह का ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका एज अ रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने बताना है हाउ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी डिफरेंशिएट स्टेट ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी मैटर्स को आपने डिफरेंशिएट करना है। डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एवोपरेशन, एवोपरेशन के बारे में बताना है किसकी, लिक्विड के, विच फैक्टर इफेक्ट द एवोपरेशन प्रोसेस, और इसके फैक्टर इफेक्ट्स को भी आपने बयान करना है। डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ विद एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी टिक लगा लेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द अमॉर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को आपने डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट मतलब एक कॉलम बनाना है जिसमें एक में अमॉर्फियस लिखना है और एक में क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखना है, उसके 5-5 डिफरेंस बता देना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने टिक आउट कर लेना है। फिर लिखा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, आपने प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बताना है लिक्विड के बारे में। स्टेट द फैक्टर विद इन्फ्लुएंस इट, और आपने फिर इसके फैक्टर्स भी बताना है जिस तरह से ये हो रहा होता है, किस तरह से ये अकर करता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंट फैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर्स पर इफेक्ट कर रहा होता है उसके बारे में आपने डिटेल में बताना है। डिफाइन द वेपर प्रेशर एंड जस्टिफाई दैट इट विजिबल इन द क्लोज सिस्टम ओनली। आपने वेपर प्रेशर के बारे में तमाम चीज़ें बताना है और क्लोज सिस्टम में ये विजिबल होता है उसके बारे में बताना है। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस आ गए। कन्वर्ट करना है द फ्लोइंग यूनिट 100 सेल्सियस को केल्विन में करना है, 780 केल्विन को सेल्सियस में करना है, 150 सेल्सियस को केल्विन में करना है और 170 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जो आपके पास बेसिक फार्मूला है उससे ही, ठीक है। इट डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम, एक वॉल्यूम है गैस की जो
70.5 और 120 सेंटीमीटर क्यूब वाइल द होल्डिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट, वॉट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 33 सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर अगर 33 सेल्सियस होगा तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इस एमसीक्यू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ, 2 भी दिया हुआ, 4 भी दिया हुआ, 5 भी दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसकी तैयारी आपने भरपूर रखनी है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपका रमजान मुबारक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अगर आपको ये मेरे समझाने तरीका अच्छा लगा हो और इस तरह के क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप आराम से क्या कर लो, आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएं। मैं अपने चैनल में बाकी वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, मैथ्स और नाइन के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ, तो वो भी मेरे चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह।